क्या आपका भी जियो सिनेमा ओपन नहीं हो रहा है, क्या आपका भी जियो सिनेमा नहीं चल रहा है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए बेसिकली अपने मोबाइल पर है और यहाँ पर देखिए बात करते हैं जियो सिनेमा की। तो देखिए हम जियो सिनेमा को ओपन करते हैं और यहाँ तक काफी देर तक ओपन करने के बाद भी हमारा जियो सिनेमा ओपन नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो देखिए काफी देर ओपन करने के बाद भी हमारा जियो सिनेमा जो है यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है और ना ही ये यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आ जाना है। चलिए इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। सो देखिए इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ देखिए ये दो तीन कारणों से होता है जो मैं आपको यहाँ पर दो तीन कारण बताऊंगा, उनको आपको यहाँ देख लेना है तो आपकी भी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउन करना है इस तरीके से। और यहाँ पर डाउन करने के बाद आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम या बक्स इरर है तो आपको सबसे पहले यहाँ देखिए फ्लाइट मोड इस तरीके से लगा देना है और फ्लाइट मोड लगाने के बाद इसको आप अनटिक कर देंगे। सो देखिए अभी यहाँ पर जो आपका नेटवर्क कनेक्शन देखिए यहाँ पर आ जाएगा नेटवर्क कनेक्शन। इसके बाद अगर आपका ये कोई भी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगा, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। चलिए यहाँ से इसे बैक करते हैं। अभी बैक करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सिंपली यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए सिम कार्ड एस मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलता है। चलिए इसके ऊपर देखिए यहाँ नीचे क्लिक हो गया सिम एस कार्ड मोबाइल डाटा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए आपको मोबाइल डाटा का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में दो सिम होंगे, ज्यादातर दो ही सिम यूज करते हैं लोग। और यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सिम में आपका रिचार्ज है वो सिम यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि बाय मिस्टेक अगर मैं टिम सिम दो में सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा जो रिचार्ज है वो सिम वन में है, सो मैं यहाँ पर जियो डाटा अगर मैं जियो सिनेमा को यूज करूंगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है यहाँ पर जाकर जो आपका डाटा कनेक्शन जिस सिम पर अवेलेबल है वो मतलब उसी में रिचार्ज है या नहीं, तो ये आपको चेक कर लेना है। चलिए यहाँ से बैक आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो जियो सिनेमा के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है इस तरीके से। और चलिए इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये भी चेक कर लेना है यहाँ पर जाकर प्ले स्टोर पर, यहाँ पर जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर आपको लिखकर टाइप करना है जियो सिनेमा। यहाँ लिखकर आप सर्च करेंगे जियो सिनेमा तो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये देख लेना है कि आपका जो जियो सिनेमा वो अपडेट है या नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए हमारा जो जियो सिनेमा है अपडेट है, ओपन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए हम चलिए बैक आते हैं। अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपने जियो सिनेमा पर आपको लॉन्ग प्रेस करके इस तरीके से रखना है। चलिए लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। यहाँ देखिए एक ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है। चलिए हम फोर्स स्टॉप पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए इसे हम फोर्स स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ डाटा स्टोरेज यूजर्स पर आपको क्लिक करना है। नीचे देखिए क्लियर कैश लिखा होगा, आप क्लियर कैश पर क्लिक करेंगे। आप क्लियर डाटा नहीं करेंगे, अगर आप क्लियर डाटा कर देंगे तो वहाँ से आपकी जो आईडी लॉगिन है वो लॉग आउट हो जाएगी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर लास्ट चरण में आपका काम नहीं करा है तब आपको यहाँ पर क्लियर डाटा करना है। चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं और फिर इसके नीचे एक देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए डाटा यूजर्स डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। ये दोनों जो यहाँ पर ऑप्शन है ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बंद होने चाहिए, ये ऑन नहीं होने चाहिए। तो चलिए इन्हें बंद कर देते हैं फटाक से, क्योंकि ये अगर ऑन होंगे तो हमारे जिस भी एप्लीकेशन पे ऑन होते हैं उसका इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब अपने जियो सिनेमा को आप ओपन करेंगे और जियो सिनेमा को ओपन करके देखिए आपका अगर जियो सिनेमा चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप अपने उसको एक बार यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके ओपन कर लेंगे। सो हमारा देखिए यहाँ पर जियो सिनेमा भी काम करने लग गया है और चल भी रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं, या जहाँ पर मैंने आपको बताया था क्लियर डाटा करने के लिए तो लास्ट चरण में आप वहाँ पर जाकर क्लियर डाटा कर देंगे। फिर से आपको यहाँ पर आईडी अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालकर बना लेना है और आपकी जो भी यहाँ पर जियो सिनेमा की प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। सो मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।